सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए खुशखबरी है, एक बार फिर से हमारे साथ हैं सीए कशिश गुप्ता जी, पक्ष लीगल से जीएसटी एक्सपर्ट। और अब की बार मैंने एक एक्सपर्ट टॉपिक के लिए सर को बुलाया है। सर ने अभी रिसेंट में किसी क्लाइंट को कंसल्टेंसी दी है अरेस्ट प्रोविजन पर। तो सर ये अरेस्ट प्रोविजन पर मुझे आपसे जानना है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि किस व्यक्ति को जीएसटी के अंदर कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, क्या उसके वॉयलेशन है, और अगर उसे अरेस्ट कर लिया तो उसे बेल कैसे मिलेगी। ये हमारे को सिंपल शब्दों में समझाओ हमारे ऑडियंस को कि भाई ये गलती ना करे, नहीं तो आपका क्लाइंट अरेस्ट भी हो सकता है, और अगर वो कई बार अरेस्ट हो जाता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुक्रिया मुझे वापस इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। और एक इतना डेंजरस टॉपिक जिसके लिए इन्होंने बड़ा ओपनली मुझे बोला कि क्लाइंटों को बताओ जी जी बिल्कुल क्या डूज है क्या डोंट्स है। हाँ, तो डूज और डोंट्स में तो ये है कि फेयर बिजनेस करें और अनफेयर बिजनेस ना करें। और जब भी आप अपना कोई क्लाइंट या कोई वेंडर ऐड करते हैं तो उसकी एक कॉम्प्लायंस रेटिंग जरूर कर लें। जैसा आपने जीएसटी लो में पढ़ा ही होगा, वेंडर कॉम्प्लायंस रेटिंग का एक सेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि वो अभी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन आप खुद से करें, आप देखें कि उसके क्राइटेरियाज हैं कुछ देखने के। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइलिंग रिटर्न कितनी है उसकी, जो गुड्स आप उससे ले रहे हैं उसके टॉप 5 गुड्स की लिस्ट में पोर्टल पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव है जब आप उससे डीलिंग कर रहे हैं, राइट, उसका स्टेटस प्रोप्राइटरशिप का है या कंपनी का है, और उसके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स हैं या रजिस्टर्ड हैं, जो अगर कोई अच्छे ट्रांसपोर्टर्स हैं, और ई वे बिल वगैरह प्रॉपर बने हों, ई वे बिल में डिलीवरी लोकेशंस जो हैं वो ठीक हों, और आसपास अगर हो तो एक बार उसके ऑफिस में विजिट भी करियो वेंडर के। हाँ हाँ, वेंडर के कॉम्प्लाइंस देखिए, वैसे ये एडवाइस नहीं होता, एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि फिर हम यही करते रह जाएंगे। अभी जितने पॉइंट्स मैंने बताया ना, आसपास अगर हो तो विजिट कर लो, अगर हो सकता है पॉसिबल आपके नोन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वरना अभी हमने एक कॉम्प्लायंस जो सर ने बताया आपको कि मैंने इनसे शेयर किया था, एक कि न्यूज शेयर की थी हमने, ऐसे कुछ रिपोर्ट बनाई है क्लाइंट की जी जी, तो वहाँ पे भी जो पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, ई वे बिल की हमने मैपिंग की विद सेल्स, और ई वे बिल के अंदर जो डिलीवरी लोकेशन उसको मैप किया, ई वे बिल के थ्रू जो ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू जो गुड्स आए हैं, जो व्हीकल से आए हैं उसकी अप्रूव्ड लोड कैपेसिटी क्या है एज पर द व्हीकल एंड हाउ मच लोड हैज बीन कैरिड इन दैट। बिल्कुल, तो इतनी वर्किंग करने के लिए आई डोंट थिंक कि इट इज़ एडवाइजेबल कि आपको रूटीन कोर्स में करना है। तो अगर किसी की इन्वेस्टिगेशन लग गई उसके या किसी ने अपने 3 साल में एक बार वेंडर की कंप्लायंस करवाना, रेटिंग करवानी है, तब ये काम हो सकते हैं। वैसे तो बहुत पेनफुल जॉब है ये। बिल्कुल बिल्कुल, और इतना बर्डन एक बिजनेस करने के लिए तो बर्डन ही है कि इतना आपको यही काम करना, फिर बिजनेस कब करोगे आप। बिल्कुल ठीक बात है, चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं फटाफट से। तो अरेस्ट कब हो सकती है? अरेस्ट सेक्शन 69 में दिया गया है कि अगर कमिश्नर को ये व्यू फॉर्म होता है कि कपिल जी ने, मैं नाम लेता हूँ कोई बात कपिल जी तो सर्विसेज में डील करते हैं, आजकल गुड्स में कम करते हैं, कि कपिल जी ने लगता है कि टैक्स की चोरी की है, तो कौन से टैक्स हैं जिसकी चोरी की है? जीएसटी तो है ही है। सेक्शन 132 के सब सेक्शन 1 में ए बी सी डी 4 क्लोजेस दिए हैं कि इन्होंने बिना सप्लाई किए, बिना गुड सप्लाई किए इनवॉइसेस सप्लाई किए हैं, इन्होंने आईटीसी अवेल किया है, या इन्होंने ये सब काम करने के लिए प्रमोट किया सबको जी, वीडियो के थ्रू किया जैसे ये करो वो करो। तो अगर ऐसा उसका व्यू बनता है और अगर अमाउंट जो है टैक्स की 2.5 करोड़ से ज्यादा है, 2.5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, वैसे 5 करोड़ सुनने में आता सबको, लेकिन अमाउंट 2.5 करोड़ है जी, अगर 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपका अरेस्ट वो ऑर्डर कर सकता है। 2.5 करोड़ सीजीएसटी, 2.5 करोड़ एसजीएसटी, टोटल सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी तीनों मिला के अगर 2.5 करोड़ है, ठीक है। ये बेसिकली कंफ्यूजन सबको रहता है कि सीजीएसटी में भी लिखा है, एसजीएसटी में भी लिखा है, तो क्या 5 हो जाएगा और 5 + 5 10 हो जाएगा? नहीं, ये एब्सोल्यूट फिगर्स है। तो यहाँ पे 2.5 करोड़ से ऊपर अगर उसको लगता है कि टैक्स चोरी किया है तो ही कैन ऑर्डर द अरेस्ट। अब इस अरेस्ट की 2 स्टेजेस है कि ऑफेंस की कैटेगरी है 2.5 से 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर, ठीक है। अगर 2.5 से 5 करोड़ का ऑफेंस है तो असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्टी कमिश्नर ही हैज बीन गिवन द पावर्स टू रिलीज द पर्सन ऑन बेल
और इन डिफॉल्ट ऑफ बेल टू फॉरवर्ड हिम टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, आपको मैं जीएसटी की अपीलेट स्टेजेस बताता हूँ। सबसे पहले आपके एडजुडिकेशन होता है, ये अरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, मैं डीलिंक कर रहा हूँ डिस्कशन को। एडजुडिकेशन हुआ, आप डिसटिस्फाइड हो, कमिश्नर अपील पे गए, हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल में गए, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। राइट, ऐसे ही सिविल लॉ में या क्रिमिनल लॉ में जो स्टेजेस हैं वो होते हैं कि सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, जो अगर आपका कोई फ्रेंड जज बनता है तो सबसे पहले वो जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन जज लगता है, जिसको हम JM बोलते हैं। अगर आप उससे डिससेटिस्फाइड है तो फिर आप सेशन कोर्ट में जाते हैं, सेशन कोर्ट से डिससेटिस्फाइड है तो फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, देन यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर किसी पर्सन की अरेस्ट हो गई और असिस्टेंट कमिश्नर ने उसे रिलीज नहीं किया 2.5 से 5 करोड़ के पर्सन को, तो वो उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देगा कि ठीक है जी, अब आप इसको देखो जुडिशियल कस्टडी में लेना है, क्या करना है। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको बेल देने की पावर जीएसटी ऑफिसर के पास नहीं है। ठीक है, वो उसकी जिम्मेवारी है कि आपको पहले ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएगा वो तभी, ठीक है, और फिर आपको वो विद इन 24 आवर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कस्टडी में फॉरवर्ड कर देगा, दे देगा। अब वहाँ क्या होता है, अब जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपकी अपीयरेंस होती है, यू हैव ऑलरेडी बीन अरेस्टेड, नोट करें यहाँ पे, आप अरेस्ट हुए हो, देन यू हैव बीन फॉरवर्डेड टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब वहाँ पे आपकी पेटिशन आर्ग्यू होती है कि आपको बेल पे रिलीज किया जाए। तो नंबर वन पॉइंट है कि चलो यू आर लक्की वन एंड यू हैव बीन रिलीज्ड ऑन बेल, इसको हम बोलते हैं रेगुलर बेल। सेकंड इज दैट योर बेल हैज बीन रिजेक्टेड, तो आप जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे। अब जिस दिन से आपकी अरेस्ट हुई है, आज से आपकी अरेस्ट हुई है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास 60 दिन का टाइम होता है कि वो इसकी चार्जशीट बना के फाइल करें। ठीक है, क्योंकि एक बार चार्जशीट बना के फाइल करेगा तभी तो ट्रायल शुरू होगा कि मैंने ये बना दिया, कपिल ने ये किया, मैंने ये इन्वेस्टिगेशन की, इसके ये लिंक्स हैं, राइट, और इतना अमाउंट की चोरी बनती है, इतने 2M अमाउंट आ रहा है, तो ये कपिल जी का फ्रॉड का अमाउंट है, ये पूरी चार्जशीट। जैसे आप देखते हैं मूवीज में भी, आजकल तो काफी एपिसोड्स भी आते हैं, अदालत करके भी आया था, जो इन्वेस्टिगेशन में निकलते हैं कि पुलिस तो ऑफिसर अपनी पूरी फाइल बनाते हैं, पूरी चार्जशीट बनाता है, ताकि वो जब कोर्ट में पेश करे तो जो अक्यूज है कि किसी टेररिस्ट को पकड़ा है तो वो उसको जेल हो जाए, उनकी पूरी कोशिश रहती है। हाँ, जैसे हमारी रहती है केस स्ट्रॉन्ग बनाने की, किसी टैक्स का अगर डिमांड है तो उस केस को डिमांड को ड्रॉप करने की हमारी पूरी कोशिश रहती है, वैसे उनकी भी उनका भी ये कर्तव्य है कि अगर उन्होंने किसी चोर को पकड़ा है तो उसका चोरी प्रूव की जाए। बिल्कुल, तो ये पूरी बनता है, पूरी चार्जशीट बनती है, अगर 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाए और पर्सन जो है उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्टेड थी, मतलब वो कस्टडी में ही है, तो उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और बेल एप्लीकेशन फिर फर्दर लेवल पे आर्ग्यू होती रहेगी। बेल एप्लीकेशन एक अलग फाइट है और मेन फाइट एक अलग है। हाँ, बेल भी लड़ते रहेंगे कि मुझे छोड़ो, मुझे रिलीज करो, मैं इतने साल से अंदर ही बढ़ाऊँ। तभी तो बोलते हैं भारत में कि जितने की इसको सजा हुई है 3 साल की, इससे ज़्यादा तो इसने कस्टोडियल इंटेरोगेशन में ही निकाल दिया टाइम, तो उसकी सजा ज़्यादा ही भुगत ली है इसने। ज़्यादा ही, तो बेल एक अलग चलती है, सजा एक अलग चलती है। सजा तब मिलती है जब एंड में आपका एक्विटी, यू आर एक्विटेड, अनलेस यू आर एक्विटेड यू आर ओनली अक्यूज्ड। बिल्कुल, तो अगर आपकी चार्जशीट 60 डेज में फाइल ना हो तो लोग कहता है कि यू आर एंटाइटल्ड फॉर डिफॉल्ट बेल। ओके, तो अब हमने सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या समझी, डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट कि 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल ना हो तो यू आर, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, यू विल बी रिलीज्ड ऑन डिफॉल्ट बेल, और उससे पहले 60 दिन तक रेगुलर बेल की एप्लीकेशन हियर होती रहती है। बिल्कुल, अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो नेक्स्ट लेवल पे भी रेगुलर बेल की एप्लीकेशन ठीक हियर होती रहती है। अब एक है एंटीसिपेटरी बेल, वो क्या होती है? एंटीसिपेटरी बेल होती है कि आज मेरे पास समन आ गया ऑफिसर का कि मेरे सामने अपियर हो, या मेरे यहाँ रेड हो गई और उन्होंने बोला कि कल मेरे पास आओ अपियर हो, और मुझे पता है कि इनके पास मेरे ये है कि 100 करोड़ का इसने टैक्स चोरी किया और मेरे को ये धर लेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे फाइल होती है। अगर वो मोस्टली रिजेक्ट ही होती है क्योंकि नोबडी गिव्स अ क्लीन चिट ऑन द फर्स्ट इवेंट, और एक दिन में कोई एप्लीकेशन क्या ही फाइल होती है, तो फिर वो पर्सन सेशन कोर्ट में जाता है, वहाँ से भी रिजेक्ट होते हैं, तो फिर वो हाई कोर्ट में रिट एप्लीकेशन में जाता है, तो एंटीसिपेटरी बेल का लो ऐसे चलता है। आजकल एक नया टर्म भी आ रहा है, इंटरिम बेल। इंटरिम बेल, हाँ,
इंटरिम बेल क्या होता है कि ना तो आपको रेगुलर बेल पे रिलीज किया ना ही आपको डिफॉल्ट बेल पे रिलीज किया। एंटीसिपेटरी की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी बातें हो रही है अरेस्ट होने के बाद। अरेस्ट होने के एंटीसिपेटरी तो अरेस्ट से पहले की बात है। ठीक है, तो इंटरिम बेल है कि आजकल कोविड है, कोविड की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क है, कोर्ट्स एक्टिवली काम नहीं कर रहे, तो कह रहे ठीक है हम आपको 60 दिन की इंटरिम बेल देते हैं। ठीक है, तो इसमें यह नहीं है कि आप छूट गए हो, आपकी बेल रिलीज होगी है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा एट द एक्सपायरी ऑफ इंटरिम बेल पीरियड। जैसे एक तरीके से पेरोल पे आ जाते हैं। पेरोल, पेरोल एक मैं टर्म आपको बताता हूँ। पेरोल होता है कि जेल के रूल्स होते हैं, एक बार आपकी सजा सुना दी और आप वो सजा काट रहे हो तब आप पेरोल पे भाग। हाँ हाँ, लेकिन मतलब मैं उसे बोलूँ कि 60 दिन में इंटरिम बेल पर हम भाग गए, हमें 60 दिन के बाद फिर दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन पेरोल से मत कंफ्यूज करो, जो एक केस हमने किया था वहाँ पे वो यही बोल रहे थे मैं तो पेरोल पे बाहर हूँ। मैंने कहा सर पेरोल आपकी सजा कितनी हुई है, आपको कहते अभी कहाँ हुई है, अभी तो बेल चल रही है। तो मैं कहा पेरोल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इंटरिम बेल है, हाँ कॉन्सेप्ट पेरोल जैसा ही है कि आप अभी बाहर हो लेकिन आपको अपने आप को सरेंडर करना है और इस दौरान आपके पास रेमेडीज क्या है। ए पर्सन हु इज आउट ऑन इंटरिम बेल कि वो जब 60 डेज का पीरियड एक्सपायर होता है, मान लीजिए 60 डेज के इंटरिम बेल दिए, तो एट द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड ही कैन प्रोड्यूस एंड आर्ग्यू हिज बेल और ही कैन प्रायर देयर टू ही कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द मिसलेनियस एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन इन द पीरियड ऑफ इंटरिम बेल, जिससे ही गेट्स टू नो द सेंस ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस ही इज हैविंग एंड व्हाट इज हिज मूड। इफ योर एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ इंटरिम बेल गेट्स रिजेक्टेड, इट मीन्स ऑन द डे ऑफ योर सरेंडर यू आर गोइंग टू बी टेकन इन टू जुडिशियल कस्टडी। तो अगर ऐसा है, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डालें और अगर वहाँ से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो इमीडिएटली हाई कोर्ट चले जाएं रिट रेमेडी में और अपनी पूरी जीएसटी की थोरो स्टडी कर लें, जिसको हम नाम देते हैं वेंडर कंप्लायंस रेटिंग। कि आजकल आपके यहाँ कोई भी आ जाएगा और बोलेगा कि आपका वेंडर बोगस, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप एक वेंडर कंप्लायंस रेटिंग करवा लें। मैंने कपिल जी को रिपोर्ट भी दिखाई है तो इन्होंने भी अप्रिशिएट किया है कि इतना डीप में कैसे सोचा होगा पॉइंट्स को, और हमने उसमें इन्वेस्टिगेट करके फाइंड आउट भी किया है कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेंडर कंप्लायंस रेटिंग एक अच्छा काम है। चलिए तो सर, ये सब है सारा। बहुत अच्छा लगा सर, आपने मतलब कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए आप एडवोकेट भी मेरे हिसाब से अभी बहुत जल्दी होने वाले हैं। हाँ जी, ठीक हाँ। है, तो इतना सारा नॉलेज दिया हमें कि भाई बेल कितने तरह की होती है, ये सारा बताया, तो हमारे ऑडियंस को इससे फ़ायदा मिला होगा, एक जनरल नॉलेज हमारी अनहेंस हुई होगी कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो सर हम समय समय पर आपको बुलाते रहेंगे और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये आप ज़रूर पढ़ा करें, इसमें अभी तो कपिल जी ने हमें अलाउ किया हमारी इतनी वीडियोस के बाद कि आप इसमें आर्टिकल देने के लिए एलिजिबल हो, तो हम इसमें एक्टिवली आर्टिकल दे रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे अगर आपको अरेस्ट के प्रोविजंस स्टडी करने हैं तो उस पर हमारी 3-4 वीडियोस हैं, अरेस्ट के नाम की प्लेलिस्ट है पक्ष लीगल। बिल्कुल बिल्कुल, आप पक्ष लीगल चैनल भी सब्सक्राइब करें और सर की वीडियो देखते रहें, आपको अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।